हमारे बीच में इस शहर की आन बान शान कहे जाने वाले, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर साहित्य के माध्यम से अपनी व्यंग और हास्य की कविताओं के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया, आज भी इस उम्र में वे पूरे जोश और ऊर्जा से भरे हुए हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय हरिविट्ठल धूमकेतु जी से, तालियां जरा जोरदार तरीके से हो जाएं। हास्य व्यंग के जरिए राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं धूमकेतु। धूमकेतु का नाम श्री हरिविट्ठल धूमकेतु है। आप दुबे हैं, पंडित हैं। 24 सितंबर 1943 को आपका जन्म हुआ। एमए एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद पुलिस विभाग में नौकरी की। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। आपका मन शुरू से कविताओं और लेखन में रमा रहता है। यही वजह है कि एक पुलिस अधिकारी कविता के आकाश पर धूमकेतु बनकर छा गया। आपने देश भर के हर बड़े कवि सम्मेलन में भाग लिया। एक समय तो ऐसा था जब धूमकेतु के बिना कोई कवि सम्मेलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी कविताओं से लोगों को जहां गुदगुदाया, वहीं सोचने पर विवश भी किया। 10,000 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में शिरकत करने वाले, 150 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन करने वाले धूमकेतु जी तमाम संस्थाओं से जुड़कर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनगिनत सम्मान आपके खाते में आए। आपकी प्रमुख पुस्तकों में कविता कोतवाली में, कांच का राजकुमार, लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन, लाशें खिलखिलाती हैं और देख रहे हो भोलेनाथ हैं, ये प्रमुख हैं। जब कवि मंच पर हो और उसकी इतनी ख्याति हो तो निश्चित तौर पर बनता है हमारा हक, दखल न्यूज़ का हक और हम सभी श्रोताओं दर्शकों का हक कि हम उनसे विनम्र आग्रह करें वे अपनी चुटीले अंदाज को हम सभी से जोड़ें। आदरणीय श्री हरिविट्ठल धूमकेतु जी। मित्रों, मुझे ये तो मालूम नहीं था कि मुझे कविता भी पढ़ना पड़ेगी, लेकिन अब आपका आग्रह है तो मैं सुनाई देता हूँ। इन्होंने वहाँ तक सीमित रखा विमल जी ने, देख रहे हो भोलेनाथ तक, लेकिन उसके बाद भी एक किताब आ चुकी है जिसका बलराम जाखड़ जी ने विमोचन किया था। छठी किताब थी बंदर के हाथ उस्तरा। मैं इसलिए यहाँ पर अभी लेके नहीं आया कि यदि मैं देता तो लोग ये कहते बंदर के हाथ में उस्तरा, इसलिए मैं देना नहीं चाहता था। आइए, आपको आपका आग्रह है तो इस आग्रह को मैं पूर्ण करता हूँ। सबसे पहले तो जब आपने आकर मुझे पकड़ा तो मुझे लगा कि आपने इन सब के सामने बता दिया कि दादा 80 की तरफ जा रहे हैं। मैं इनसे तो कह ही सकता हूँ कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं। हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं। रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है। और ये भी सच है हम बूढ़े हैं, आपकी भी मजबूरी है। कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। बस मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, वरना मैं व्यंगकार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों का सम्मान होना है। 31 लोगों में एक कवि फंस गया इत्तेफाक से, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये पूरे देश भर के कवियों का सम्मान है। और कवियों में सबसे बड़ा कवि जो है वो इस समय है, आपको मालूम है, इस समय देश का सबसे बड़ा अगर कवि कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो भी कविता लिखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीकानेर कवि सम्मेलन में मुझे लेने पहुँचे थे, मैं वो कभी नहीं भूल पाता। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आपके दर्द की बात कहना चाहता हूँ, किसान के दर्द की बात कहना चाहता हूँ व्यंग के माध्यम से, कि रिंद सभी प्यासे प्यासे मदहोश दिख रही साकी है। रिंद सभी प्यासे प्यासे मदहोश दिख रही साकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। पटरी से रेलें उतार दी, किसका दोष हम क्या जाने, पूरा देश सराय बना दी, कहां से आए लूले काने। वो सरेआम देश को लूटा, किसने लूटा राम ही जाने। जान बूझ अनजान बने हैं,
इस महफिल के बूढ़े शाने काका चतुर सुजान बहुत चुप बैठी घर में काकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। ये पंक्तियां देखिए कि सूबेदार सभी तानाशाह फरियाद करें तो करें हम किससे, राजा रानी सभी रंगीले जिनके हैं सब स्वर्णिम किससे, वो योजना भर का नाम लिया तो बटने लगे अभी से हिस्से, वो कमीशन तो देना ही होगा, मिलो दिल्ली में जाके मिस से। अच्छे अच्छे पिसे जहां पर बड़ी पुरानी चाकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। और अंतिम चार पंक्तियां कहना चाहता हूं, ये मैंने दिल्ली में उन लोगों के सामने कहा जिनके सामने कहना भी चाहिए था। कमल जी, भदौरिया जी, सुनिए वो पंक्तियां कि चका चौंध में तुम चौंध जाए, अंधकार को भूल गए, धन दौलत वैभव पाते ही दरिद्र जनों को भूल गए, द्वारकाधीश बने क्या तुम मित्र सुदामा भूल गए, वो गोरी चमड़ी के चक्कर में असली माँ को भूल गए, गोरी चमड़ी के चक्कर में असली माँ को भूल गए, स्वदेशी को छोड़ सजाली तुमने स्वदेशी को छोड़ सजाली तुमने विदेशी झाकी है, अभी तो केवल नब्ज मिली है, इलाज मर्ज का बाकी है। वंदे मातर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत अभिनंदन। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब कवि हैं, आप एक हास्य कवि के बारे में बताना भूल गए थे, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी वो हास्य कवि हैं। ये अंतस का कथन आपके सामने धूमकेतु जी ने रखा, बहुत शानदार। और वो सारे लोग मिले जिनकी ज़रूरत थी, क्योंकि राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और स्वार्थी बहुत ज़्यादा मिलते हैं भाई। तो आज का दखल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और मुझे तो ये कह सकता हूँ अगर कोई कहे कि पंक्तियाँ सुनाओ, तो मैं अपनी पंक्तियों में कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद दिला रहे थे ऐसे भदौरिया जी कि आपकी वो एक कविता बहुत अच्छी थी, तो आइए वो अभी आपको सुनाई देते हूँ। लीजिए, उस कविता का शीर्षक कुछ इस तरह से था, लगातार चुनाव प्रणामों से लोकतंत्र के पहरेदारों को मिल रहा ये जनादेश, जब और अधिक जातीय घृणा सांप्रदायिक उन्माद तुष्टिकरण ढुलमुल नीति नहीं बल्कि राष्ट्र चाहता है दमदार व्यक्तित्व। जीरो को जीरो में जोड़ो, घटाओ गुणा करो भाग दो, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। फिल्म कितनी भी बड़ी बनाओ, झांकी कितनी भी बड़ी सजाओ, हीरोइन भी हो टॉप मगर मेरे बाप, अगर हीरो ढीला है तो च्यवनप्राश से सिला जीत तक कुछ भी खिलाओ ढीला ही रहेगा। अतः ढीलों को हटाओ, उनके स्थान पर संघर्षशील जुझारू चिर यौवन व्यक्तित्व वाले राष्ट्रवादियों को आगे लाओ, राष्ट्रवादियों को आगे लाओ, राष्ट्रवादियों को आगे लाओ। ये मेरी 30 साल पुरानी रचना है।